नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एलईडी बल्ब को कैसे ठीक किया जाता है। अभी मेरे पास में काफ़ी सारे ख़राब एलईडी बल्ब है। ये सभी एलईडी बल्ब में अलग अलग प्रकार का प्रॉब्लम है, तो कौन सा एलईडी बल्ब में कौन सा प्रॉब्लम है और इसको कैसे ठीक किया जाएगा ये मैंने इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले एलईडी बल्ब को ठीक करने के लिए जो भी सारे टूल्स हमें चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो एक इस प्रकार का जो नॉर्मल होल्डर होता है ये हमें चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से हम देख पाएंगे कि हमारा एलईडी बल्ब जल रहा है या फिर नहीं जल रहा है। जैसे कि ये एलईडी बल्ब हमारा नहीं जल रहा है, तो ऐसे हमें एक होल्डर चाहिए। उसके बाद में हमें एक टेस्टर चाहिए जो कि लाइन टेस्टर होता है, ये आपको 10 रुपये में मिल जाएगा मार्केट में। और एक चाहिए आपको प्लायर, कुछ इस प्रकार का होता है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद में आपको चाहिए एक पेचकस, कुछ इस प्रकार का होता है। इसके माध्यम से एलईडी बल्ब के अंदर में जो स्क्रू लगा हुआ होता है उसको हम खोल सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। और एक हमें सोल्डरिंग आयरन चाहिए। मैं जो इस्तेमाल करता हूँ ये 35 वाट का सोल्डरिंग आयरन है, ये आपको 70-80 रुपये में मिल जाता है मार्केट में। और सोल्डरिंग करने के लिए इस प्रकार का सोल्डरिंग का वायर भी चाहिए। ये जो रील देख रहे हैं ये मुझे 50 रुपये में मिला है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर। अगर आपको छोटा चाहिए तो 10 रुपये वाला पैकेट भी आता है, तो वो आप ले लीजिएगा, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप कम एलईडी बल्ब रिपेयर करते हैं। इसके साथ ही आपको एक ट्वीजर चाहिए, यानी कि चिमटा। इसके ऊपर में रबर या फिर प्लास्टिक का कवर होना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से एलईडी बल्ब के अंदर में जो छोटे छोटे एलईडी होते हैं उनको हम शॉर्ट करके चेक करेंगे। तो अगर इसके ऊपर में कवर नहीं होगा तो हमें करंट मार सकता है, इसलिए कवर वाला चिमटा ले लीजिएगा। अगर कवर वाला चिमटा नहीं मिलता है तो जो हमारा नॉर्मल लोहे का चिमटा होता है या फिर स्टील का चिमटा होता है उसके ऊपर में हमारा जो इंसुलेशन टेप होता है वो आप लगा लीजिएगा, तो वो भी हमारा इस प्रकार से काम करेगा। और उसके बाद में एक मल्टीमीटर चाहिए, आप लोग देख सकते हैं ये एक मल्टीमीटर है, नॉर्मल मल्टीमीटर। ये आपको 150 या फिर 160 रुपये में मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर। इसके माध्यम से हम एलईडी बल्ब की ड्राइवर सर्किट के अंदर में जो भी सारे छोटे मोटे चीज़ें होते हैं उनको चेक कर पाएंगे और आउटपुट का वोल्टेज वगैरह चेक कर पाएंगे। तो इतने ही सारा टूल्स चाहिए ये एलईडी बल्ब को रिपेयर करने के लिए, मैं आपको बता दिया हूँ। अभी मैंने ये होल्डर को बिजली का बोर्ड में लगा लिया हूँ, तो चलिए इसके माध्यम से हम एक एक करके एलईडी बल्ब को चेक कर लेते हैं किसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये एलईडी बल्ब को आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा धीमे से जल रहा है और हल्का हल्का ब्लिंकिंग भी कर रहा है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम इसमें है, तो इसको साइड में रख लेते हैं और एक एलईडी बल्ब को चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। और एक एलईडी बल्ब को चेक करते हैं, तो ये देखिए, ये हमारा कुछ इस प्रकार से जल रहा है। चलिए और एक एलईडी बल्ब को चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं ये बहुत ही धीमे से जल रहा है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम रोशनी दे रहा है। ये दोस्त हमारा बिल्कुल बंद है, ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। देखिए ये भी हमारा बिल्कुल नहीं जल रहा है, ये भी हमारा नहीं जल रहा है, ये भी दोस्त हमारा बंद है और ये भी दोस्त हमारा पूरी तरीके से बंद है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम निकल के आया वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ एलईडी बल्ब हमारा बिल्कुल भी नहीं जल रहा था और कुछ एलईडी बल्ब हमारा बहुत ही धीमे से जल रहा था, कम रोशनी दे रहा था, और कुछ एलईडी बल्ब हमारा धीमे से जल रहा था और ब्लिंकिंग कर रहा था। तो इस प्रकार का ही प्रॉब्लम आपको एलईडी बल्ब में देखने को मिलेगा और इसको कैसे सही करना है ये मैंने इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एलईडी बल्ब को ठीक करने के लिए इसका जो ऊपर का कैप होता है इसको हमें खोलना पड़ता है। तो हाथ से सबसे पहले ट्राई करिए इसको इस प्रकार से खोलने के लिए। ये देखिए, ये हमारा खुल चुका है। अगर दोस्तों हाथ से नहीं खुलता है तो कैसे खोलना है, देखिए ये जो हमारा प्लायर होता है इसको लेना है और यहाँ पर ये जो हमारा कॉर्नर का साइड होता है इसको हमें कुछ इस प्रकार से मारना है। तो इस प्रकार से मारने से ये जो हमारा कैप होता है ये आराम से निकल जाता है। तो इस तरीके से आप प्लायर के माध्यम से इसको निकाल सकते हो या फिर टेस्टर को ले सकते हो और इसका जो ये कॉर्नर का साइड होता है यहाँ पर इस प्रकार से फंसा के इसको इस तरीके से निकाल सकते हो। कुछ इस तरीके से ये जो कैप होता है ये हमारा निकल जाता है। और इसके बाद में हम एलईडी बल्ब को चेक करते हैं इसमें क्या दिक्कत होता है। देखिए यहाँ पर ये जो एलईडी बल्ब है ये किसी के पास में रिपेयर होके आया हुआ है हमारे पास में रिपेयर होने के लिए। तो इसमें देखिए, ये जो छोटे छोटे एलईडी होते हैं इसमें से कोई एक एलईडी खराब होने से हमारा जो एलईडी बल्ब होता है वो बिल्कुल भी नहीं जलता है, जलता बुझता है, ब्लिंकिंग करता है, इस प्रकार का प्रॉब्लम दिखाता है और धीमे से भी जलता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये एक एलईडी खराब हुआ था तो इसको किसी ने शॉर्ट कर दिया, यानी कि सोल्डरिंग कर दिया और ये ठीक हो गया। उसके बाद में यहाँ पर और एक एलईडी खराब हो गया होगा, क्योंकि दोस्तों ये एलईडी जितना भी करंट और वोल्टेज ले रहा था वो बाकी सारे एलईडी में जाने लगेगा और इनमें से जो भी थोड़ा सा कमजोर एलईडी रहेगा उसको ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा करंट जाने की वजह से वो शॉर्ट हो जाएगा।
तो इस प्रकार से अगर हम कोई एलईडी को शॉर्ट करके सोल्डरिंग करके रिपेयर करते हैं तो हमारा ये ट्रिक सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए या फिर 10-15 दिन के लिए ही काम करेगा। उसके बाद में फिर से हमारा और एक एलईडी खराब हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये हमारा मतलब इमरजेंसी के टाइम में इस प्रकार से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर कोई कम पैसे में एलईडी बल्ब को रिपेयर करना चाहता है और फ्री में रिपेयर करना चाहता है तो वो इस तरीके से रिपेयर कर सकता है। और एक एलईडी बल्ब में भी इस प्रकार का सेम प्रॉब्लम है, आप लोग देख सकते हैं एक एलईडी खराब हो गया था तो इसको किसी ने इस प्रकार से सोल्डरिंग चढ़ा के रिपेयर कर लिया, फिर उसके बाद में यहाँ पर और एक एलईडी खराब हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं ये एलईडी के बीच में छोटा सा काला रंग का बिंदु नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये खराब हो चुका है। देखिए जो भी एलईडी के बीच में काला रंग का दाग बिंदु या फिर वो जला हुआ नजर आएगा उसका मतलब वो एलईडी खराब हो चुका है। तो इस तरीके से कभी भी आप एलईडी को शॉर्ट करके सोल्डरिंग करके रिपेयर मत कीजिए, वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही काम करेगा। उसके बाद में फिर से आपके पास में वो बल्ब रिटर्न आएगा और आपको फिर से उसको ठीक करना पड़ेगा और आपका जो ग्राहक रहेगा वो आपके ऊपर में नाराज रहेगा और आपका नाम भी बदनाम हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप इसको ठीक करते हो बिल्कुल अच्छे से ठीक करना चाहिए। देखिए हमारा एलईडी बल्ब में जो खराबी आता है वो मेनली 2 चीज़ों से आता है, एक होता है ये हमारा एलईडी प्लेट, इससे खराबी आता है, दूसरा आता है हमारा इसके अंदर का जो ड्राइवर सर्किट होता है उससे। तो यहाँ पर ये जो एलईडी प्लेट है इससे ही खराबी आया है, इसमें भी सेम है, ये एलईडी प्लेट से ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो और एक एलईडी बल्ब को हम चेक कर लेते हैं, तो इसको जो मैंने खोल लेता हूँ कि आपको, और इसको क्या करता हूँ होल्डर में लगा लेता हूँ। तो कैसे आप पहचान सकते हो एलईडी प्लेट से प्रॉब्लम आ रहा है या फिर एलईडी ड्राइवर से प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि इसके अंदर में जो सर्किट होता है उससे प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए ये हमारा हल्का हल्का जल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो मल्टीमीटर होता है उसको लेना है और उसको लेके क्या करना है 200 वोल्ट डीसी में लगा देना है। और उसके बाद में मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ और यहाँ पर एलईडी बल्ब में आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेगा, एक प्लस वाला पॉइंट होगा और एक माइनस वाला पॉइंट होगा। ये प्लस वाला पॉइंट के साथ में एक रेड कलर का तार सोल्डरिंग हुआ नजर आएगा और माइनस वाला पॉइंट के साथ में एक ब्लैक कलर का तार सोल्डरिंग हुआ नजर आएगा। प्लस वाला पॉइंट के साथ में मल्टीमीटर का रेड कलर का प्रोब को लगाना है और माइनस वाला पॉइंट के साथ में मल्टीमीटर का ब्लैक कलर का प्रोब को लगाना है। यहाँ पर हमें वोल्टेज चेक करना है कितना वोल्टेज हमारा आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा 80 से 90 वोल्ट की करीब वोल्टेज आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा सही वोल्टेज आ रहा है। हमारा जो 9 वाट का एलईडी बल्ब होता है उसमें हमें लगभग 100 वोल्ट के आसपास वोल्टेज आना चाहिए। तो ये दोस्तों हमारा 9 वाट का एलईडी बल्ब है, आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारा 90 वोल्ट की आसपास वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज सही है। तो इसका मतलब इसका अंदर का जो ड्राइवर सर्किट है वो हमारा सही है, इसका जो ऊपर का एलईडी पैनल है ये हमारा ख़राब है। यहाँ पर कोई एक ख़राब एलईडी है जिसकी वजह से हमारा ये पूरा एलईडी पैनल अच्छे से नहीं जल रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर चिमटा लेना है, ये जो चिमटा है इसको लेना है। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे एलईडी आप लोग देख रहे हैं इनको शॉर्ट करके देखना है कौन सा एलईडी हमारा ख़राब है जिस वजह से ये पूरा एलईडी पैनल हमारा नहीं जल रहा है। देखिए ये जो छोटे छोटे एलईडी होते हैं इनका 2 साइड होता है, एक प्लस वाला साइड होता है और एक माइनस वाला साइड होता है। ये जो प्लस और माइनस का साइड होता है इसको हमें क्या करना है, चिमटा के माध्यम से इस प्रकार से पकड़ के शॉर्ट करना है, जिसके माध्यम से वो एलईडी को शॉर्ट करने से जो खराब एलईडी होगा वो हमारा शॉर्ट हो जाएगा और हमारा सारा एलईडी जलेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे एलईडी हमारा सीरीज में कनेक्शन होकर रहते हैं। तो अभी मैंने इसको होल्डर में लगा लेता हूँ, तो ये देखिए होल्डर में लगा लिया हूँ और एक एक करके मैंने एलईडी को शॉर्ट करता हूँ। तो देखिए इसको शॉर्ट करने से पूरा एलईडी पैनल हमारा नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब ये एलईडी हमारा सही है। तो इसको शॉर्ट करते हैं, तो देखिए इसको शॉर्ट करने से भी हमारा नहीं जल रहा है और इसको शॉर्ट करते हैं, तो देखिए ये वाला एलईडी को शॉर्ट करने से पूरा एलईडी पैनल हमारा जल रहा है। तो इसका मतलब ये जो एलईडी है ये हमारा ख़राब है। अभी ये थोड़ा थोड़ा जल रहा है आप लोग देख सकते हैं, लेकिन जब हम इसको शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पर ये एलईडी पैनल हमारा बढ़िया से जल रहा है। तो इसका मतलब ये एलईडी हमारा ख़राब हो चुका है। अगर हम चाहते हैं फ्री में रिपेयर करने के लिए तो ये एलईडी को हम शॉर्ट करके यानी कि यहाँ पर सोल्डरिंग चढ़ा के इसको ठीक कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो भी आपका छोटा सा एलईडी खराब होता है तो उसको हटा लीजिए, और अगर आपके पास में इस प्रकार का कोई भी पुराना एलईडी पैनल है और उसमें कोई एक एलईडी अच्छा है तो उसको निकाल करके यहाँ पर लगा सकते हो, तो उस तरीके से रिपेयर करने से भी ये हमारा आराम से 3-4 महीना चल जाता है। तो उसके ऊपर में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ये एलईडी को कैसे चेंज किया जाता है वो उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और आप चाहो तो यहाँ पर ये एलईडी को हटा करके यहाँ पर एक 22 ओम का रेजिस्टर को लगा के इसको ठीक कर सकते हो, क्योंकि रेजिस्टर को लगाने से वो थोड़ा सा हमारा करंट को कम कर देता है और वोल्टेज को भी कम कर देता है। तो आप यहाँ पर 22 ओम 1 वाट का जो रेजिस्टर होता है उसको लगा के इसको ठीक कर सकते हो। तो इस तरीके से रेजिस्टर को लगा के और ये एलईडी को चेंज करके कम पैसे में आप इसको ठीक कर सकते हो, नहीं तो ये पूरा का पूरा एलईडी पैनल को चेंज कर देने से ये एलईडी बल्ब हमारा सही।
हो जाता है। यहाँ पर जो भी सारे एलईडी बल्ब में एलईडी पैनल खराब है वो मैंने चेक करके अलग कर लेता हूँ। तो ये एलईडी बल्ब को मैंने होल्डर में लगा लिया हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैंने आउटपुट का वोल्टेज को चेक कर लेता हूँ कितना वोल्टेज हमारा आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने दोनों प्रोब को लगा लेता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वोल्टेज आ रहा है सही से। अच्छे से लगाता हूँ मैंने प्रोब को, ये देखिए 107 108 वोल्टेज आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो अंदर का ड्राइवर सर्किट है वो सही है और यहाँ पर ये एलईडी पैनल में कोई एक एलईडी हमारा ख़राब है। चलिए और एक बल्ब को चेक कर लेते हैं, इसको मैंने लगा लेता हूँ और सबसे पहले ये चिमटे के माध्यम से चेक कर लेते हैं। आप चाहो तो मल्टीमीटर के माध्यम से आउटपुट का वोल्टेज को भी सबसे पहले चेक कर सकते हो, वो बढ़िया रहेगा। देखिए यहाँ पर ये छोटा सा एलईडी को शॉर्ट करने से ही यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा एलईडी पैनल जल रहा है। तो इसका मतलब इसमें भी हमारा एलईडी पैनल ख़राब है। तो और एक एलईडी बल्ब को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला जो एलईडी है इसका बीच में काला दाग नज़र आ रहा है, तो इसको मैंने शॉर्ट करके देखता हूँ। शॉर्ट करने से ये पूरा का पूरा एलईडी पैनल हमारा नहीं जल रहा है। तो यहाँ पर हम आउटपुट का वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब इसका अंदर का जो ड्राइवर सर्किट है वो तो ख़राब है, साथ ही यहाँ पर ये एलईडी पैनल भी ख़राब है क्योंकि एक एलईडी हमारा ख़राब है। तो अभी मैंने इसको लगा लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं एक एलईडी के बीच में काला दाग नज़र आ रहा है, तो इसको मैंने शॉर्ट करता हूँ सबसे पहले। तो देखिए इसको शॉर्ट करने से हमारा ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो हम यहाँ पर आउटपुट का जो वोल्टेज है उसको चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट में हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी हमारा सेम प्रॉब्लम है, इसका ड्राइवर सर्किट ख़राब है और साथ ही ये एलईडी पैनल भी ख़राब हो चुका है क्योंकि ये एलईडी हमारा ख़राब है। तो ये एलईडी को चेक कर लेते हैं, इसको मैंने लगा लेता हूँ और इसमें भी दोस्तों देख सकते हैं एक एलईडी ख़राब हो गया था और उसको किसी ने शॉर्ट करके दिया था। तो इसको हम सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। देखिए आउटपुट में हमारा 90 वोल्ट के आसपास आ रहा है, तो इसका मतलब इसका ड्राइवर सर्किट सही है, इसका एलईडी पैनल ही ख़राब है। और एक एलईडी बल्ब हमारा बचा है तो इसको मैंने लगा लेता हूँ। देखिए यहाँ पर भी हमारा एलईडी पैनल ख़राब है क्योंकि ये वाला एलईडी को शॉर्ट करने से पूरा एलईडी पैनल जल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला वो हमारा एलईडी पैनल से ही देखने को मिला। हमारा ज़्यादा एलईडी बल्ब में वो जो एलईडी पैनल है वही ख़राब हुआ है और वो एलईडी पैनल को चेंज कर देने से वो एलईडी बल्ब हमारा सही हो जाएंगे। जब भी हमारे पास में कोई भी एलईडी बल्ब रिपेयर होने के लिए आता है उसमें ज़्यादा चांस रहता है उसका जो एलईडी पैनल होता है वो ख़राब होता है। तो इसी वजह से सबसे पहले एलईडी पैनल को ही चेक कर लीजिए, आउटपुट वोल्टेज को चेक कर लीजिए मल्टीमीटर से और चिमटा के माध्यम से एक एक एलईडी को शॉर्ट करके देख लीजिए कहीं एक एलईडी ख़राब हुआ होगा, तो आप वो एलईडी पैनल को चेंज करके उसको ठीक कर सकते हो। और जो ड्राइवर रिलेटेड प्रॉब्लम और बाकी सारे जो प्रॉब्लम होते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम हमारा एलईडी पैनल से ही देखने को मिलता है। तो ये जो ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है इसको ही सही करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो एलईडी पैनल है इसको मैंने सबसे पहले खोल लेता हूँ और यहाँ पर एक नया एलईडी पैनल बैठा लेता हूँ। तो उसी तरीके से ये सारे एलईडी बल्ब में भी मैंने नया एलईडी पैनल बैठा लूँगा। देखिए ये दोनों तरफ एलईडी प्लेट का जो प्लस और माइनस दो पॉइंट होता है वहाँ पर सोल्डरिंग होता हुआ नजर आएगा, तो इनको यहाँ से हटाने के लिए आपको सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो सोल्डरिंग आयरन होता है इसको आपको बिजली के बोर्ड में लगा के 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना है इसको गर्म होने के लिए। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद में आप इस प्रकार से ये दोनों तार को ये एलईडी प्लेट से हटा सकते हो। तो देखिए मैंने दोनों तार को हटा लेता हूँ, ये एक तार हमारा हट चुका है और एक तार को हटा लेता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से ये दोनों तार को आपको हटा लेना है अच्छे से। ये जो दो स्क्रू यहाँ पर लगे हुए हैं ये दोनों स्क्रू को ये जो हमारा पेचकस होता है स्टार पेचकस इसके माध्यम से आपको निकाल लेना है। देखिए दोनों स्क्रू हमारा निकल चुके हैं और यहाँ पर मैंने इसको कुछ इस प्रकार से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर हम एक नया एलईडी प्लेट लगाएंगे। तो कौन सा एलईडी प्लेट आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपका एलईडी बल्ब जितना वाट का होगा उतना ही वाट का एक नया एलईडी प्लेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लेना है आपका एलईडी बल्ब के ऊपर में कितना वाट लिखा हुआ है, जैसे कि इसके ऊपर में 9 वाट लिखा हुआ है। तो ये एलईडी बल्ब हमारा 9 वाट का है तो यहाँ पर मैंने 9 वाट का ही एक एलईडी पैनल लगाऊंगा। दोस्तों ये जो नया एलईडी पैनल देख रहे हैं ये हमारा 9 वाट का है। ये जो स्क्रू का होल होता है उसको मैच करके यहाँ पर दो स्क्रू को हमें सबसे पहले टाइट कर लेना है। तो अभी मैंने दोनों स्क्रू को बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट कर लिया हूँ और ये जो दोनों तार है इनको हमें ये माइनस और प्लस वाला दो पॉइंट पर सोल्डरिंग कर लेना है। रेड कलर का तार को प्लस के साथ में और ब्लैक कलर का तार को माइनस के साथ में। तो चलिए अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कितना अच्छी तरीके से रोशनी दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रोशनी आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम नया एलईडी प्लेट को लगाते हैं तो ये एलईडी बल्ब हमारा ठीक हो जाता है, और बहुत ही अच्छा खासा इसमें रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है ग्राहक की तरफ से, क्योंकि ये एलईडी बल्ब हमारा बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए जलने वाला है। ये जो एलईडी बल्ब में एलईडी प्लेट खराब है, इनको मैंने नया एलईडी प्लेट लगा के ठीक कर लूँगा। और बाकी हमारा ये जो दोनों एलईडी बल्ब खराब हैं, इनको कैसे ठीक करना है चलिए देख लेते हैं। ये दोनों एलईडी बल्ब का जो अंदर का ड्राइवर सर्किट है वो खराब है, साथ ही ये दोनों एलईडी पैनल भी खराब है। तो हमें सबसे पहले ये जो ड्राइवर सर्किट है इसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो हमारा B22 कैप होता है, ये जो चीज़ हमारा होल्डर में लगता है, इसको हमें खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलने के लिए आप प्लायर को लीजिए और कुछ इस तरीके से मोड़ना है, और इस तरीके से मोड़ने से ये जो हमारा B22 कैप है ये हमारा आराम से निकल जाता है। और इसके बाद में ये जो दो पॉइंट यहाँ पर सोल्डरिंग हुआ है, इसको हमें सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से पिघला के इसको हटाना है, और उसके बाद में ये B22 कैप हमारा आराम से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा B22 कैप आराम से निकल चुका है, और इसके बाद में ये जो हमारा पेचकस होता है इसको हमें क्या करना है, इसके अंदर में घुसाना है, और उसके बाद में प्लायर के माध्यम से इसको ठोकना है। इस तरीके से ठोकने से ये हमारा निकल जाएगा कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कैपेसिटर है ये हमारा फूला हुआ है, तो इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है ये हमारा ख़राब है। तो आपको इस तरीके से देखना है कौन सा आपका जो चीज़ है वो फूला हुआ फटा हुआ नज़र आता है, तो उसको चेंज करना है। और एक ये वाला कैपेसिटर हमारा फट चुका है, तो ये दोनों हमारा ख़राब है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो IC है ये हमारा जल चुका है यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब हम इसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस नंबर का IC मेरे पास में नहीं है, और ये IC भी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसका मतलब ये जो हमारा ड्राइवर है ये रिपेयर नहीं हो पाएगा। मेरे को लग रहा था सिर्फ ये कैपेसिटर ख़राब है और ये PF ख़राब है, और बाकी ये जो हमारा फ्यूज़ रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है ये भी जल चुका है, तो इसको भी चेंज कर देने से ये हमारा सही हो सकता था। लेकिन यहाँ पर हमारा ये जो IC है, ड्राइवर IC, ये ख़राब हो चुका है। आपका अगर LED बल्ब का ड्राइवर सर्किट ख़राब है तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो फ्यूज़ रेजिस्टेंस होता है इसको आपको चेक करना है, और ये जो कैपेसिटर यहाँ पर फूला हुआ नज़र आ रहा है तो ये कैपेसिटर को चेक करना है, और ये PF वगैरह चेक करना है, और ये जो हमारा ट्रांसफार्मर जैसा दिखाई देता है इसको चेक करना है, और बाकी आपको क्या चेक करना है, ये जो MOV होता है इसको आपको चेक करना है, ये जो नीला कलर का चीज़ दिखाई दे रहा है इसको चेक करना है। तो यही सारे कुछ चीज़ें हमारा ख़राब होने से ड्राइवर सर्किट हमारा आउटपुट में वोल्टेज नहीं देता है, अगर वोल्टेज देता है तो बहुत ही कम वोल्टेज देता है। तो ड्राइवर सर्किट में क्या क्या चीज़ें खराब होने से क्या क्या प्रॉब्लम आता है उसके ऊपर में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, और उसको कैसे ठीक करना है वो भी मैंने इस वीडियो में बताया हूँ। तो चलिए इसको हम यहाँ पर साइड में रख लेते हैं, और ये LED बल्ब को कैसे ठीक करना पड़ेगा वो भी मैंने बताऊँगा। तो ये वाला जो LED बल्ब है इसको खोल के देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा निकल चुका है, और इस ड्राइवर सर्किट का भी हालत आप लोग देख सकते हैं, ये भी हमारा रिपेयर होने की हालत में नहीं है। तो यहाँ पर ये जो दोनों ड्राइवर सर्किट निकले हैं ये बिल्कुल हमारा ख़राब हो चुके हैं, बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं, इसीलिए हम इनको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो दोनों LED बल्ब है इसको हम कैसे जलाएंगे, हमारा जो ग्राहक होगा वो तो बोलेगा ना हमारा LED बल्ब को ठीक करके दो। तो उस टाइम पर उस LED बल्ब में हम इस प्रकार का LED प्लेट को लगा के उसको ठीक कर सकते हैं। ये जो LED प्लेट आप लोग देख रहे हैं इसी के अंदर में ही हमारा ड्राइवर सर्किट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर है, एक IC है, एक रेजिस्टेंस है, और एक इंडक्टर कॉइल है। तो ये जो हमारा LED प्लेट है इसको DOB बोलते हैं, ये अल्फा DOB है। ये आपको लोकल मार्केट में आपका जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान होगा वहाँ पर अगर आप अल्फा DOB पूछोगे तो वो आपको दे देंगे। ये हमारा 9 वाट का है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों LED बल्ब हमारा 9 वाट के हैं, आप लोग देख सकते हैं ये 9 वाट का है, और ये जो LED बल्ब है ये भी हमारा 9 वाट का है। तो ये दोनों LED बल्ब में इस प्रकार का मैंने 2 अल्फा DUV लगा दूंगा, तो ये हमारा आराम से LED बल्ब जलेंगे। तो ये जो अल्फा DUV होता है इसमें हमें सिर्फ 2 तार लगाना होता है, एक हमारा न्यूट्रल का और एक लाइन का। जैसे ये जो हमारा LED पैनल होता है इसमें हमें सिर्फ 2 तार सोल्डरिंग करना पड़ता है, माइनस का और एक प्लस का, ये दोनों तार हमारा ये LED जो ड्राइवर सर्किट होता है इससे ही निकलता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो 2 तार लगाया जाएगा वो हमारा ये जो B22 कैप का 2 पॉइंट होता है, ये दोनों पॉइंट से निकल के ये LED प्लेट में लगाया जाएगा। सबसे पहले ये LED पैनल को हमें ये एल्यूमिनियम प्लेट से निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों तार को मैंने काट लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें ये ड्राइवर सर्किट और LED पैनल की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमारा दोनों स्क्रू है इनको मैंने यहाँ से हटा लेता हूँ।
तो देखिए इस तरीके से हटा लिया हूँ, और ये अल्फा डीओबी को इस एल्यूमिनियम प्लेट के ऊपर में कुछ इस तरीके से हमें कस लेना है। लेकिन यहाँ पर इसको कसने के लिए जो दो स्क्रू हम लगाएंगे उसके लिए ये एल्यूमिनियम प्लेट में हमारा होल नहीं है, यहाँ पर होल है लेकिन बहुत ज़्यादा दूर में है, ये हमारा डीओबी के साथ में मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर डीओबी के साथ में मैच करके हमें दो होल बनाना पड़ेगा। तो मैंने इस प्रकार से राउंडर को ले लेता हूँ और यहाँ पर मैंने सबसे पहले मार्क कर लेता हूँ कहाँ पर दो होल हमें बनाना है। तो मार्क करने के बाद में मैंने यहाँ पर अच्छे से होल भी कर लेता हूँ, आप चाहो तो कील वगैरह ठोक के भी यहाँ पर आराम से होल कर सकते हो। तो देखिए एक होल हमारा हो चुका है और एक होल को बना लेते हैं। तो देखिए मैंने अच्छे से दो होल बना लिया हूँ, हम ये डीओबी को इसके ऊपर में रख लेते हैं। अभी मैंने दोनों स्क्रू को टाइट करके ये डीओबी को इस एल्यूमिनियम प्लेट के ऊपर में अच्छे से कस लिया हूँ, और इसके बाद में हमें दो तार लेना है। ये दोनों तार को क्या करना है, ये जो हमारा B22 कैप है इसमें हमें इसको सोल्डरिंग कर लेना है। तो ये जो B22 कैप होता है इसका ऊपर में ये जो दो पॉइंट होता है इसमें हमारा दो छेद होता है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये छेद के अंदर से कुछ इस तरीके से इसको निकाल लेना है दोनों तार को। तो देखिए इस तरीके से ये दोनों तार को निकाल के ये जो हमारा LED बल्ब का बॉडी है इसमें हमें इसको कुछ इस तरीके से घुसा लेना है, और यहाँ पर ऊपर से ये दोनों तार को हमें अच्छे से सोल्डरिंग कर लेना है। दोनों पॉइंट को अच्छे से सोल्डरिंग कर लिया हूँ और इसको अच्छे से मैंने सेट कर लेता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा फेविक्विक भी लगा सकते हो ताकि ये अच्छे से फिट हो जाएगा, और इसको यहाँ पर लगा देते हैं। अभी मैंने दोनों तार को सोल्डरिंग कर लिया हूँ और दोनों तार को अंदर की तरफ घुसा दिया हूँ, और इसको मैंने चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा काफ़ी अच्छा रोशनी दे रहा है। तो अगर किसी LED बल्ब का ड्राइवर सर्किट और LED पैनल दोनों ही ख़राब हो जाता है तो आप इस प्रकार का DOB लगा के इसको ठीक कर सकते हो। तो जो दूसरा LED बल्ब है उसमें भी मैंने इस प्रकार से DOB लगा दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस प्रकार से ये LED बल्ब को रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।